फर्स्ट टाइम फिजिकली कब मिला होगा? इमीडिएट बात 20 अगस्त को हमारा कोर्स खत्म हुआ और 24 अगस्त एक एडवांस कोर्स था, तो मुझे बोला गया ऋषि जी ने कि तब तो हम एकदम, तब तक ऋषि जी जो बोले वो कर रहा है ऐसा हो गया था। उन्होंने बोला तुम लोग जाके एडवांस कोर्स करके आओ, पर बेटी को मत ले जाना। माई डॉटर वॉज वेरी यंग दैट टाइम, नॉट इवन 1 ईयर। तो वी सेड ओके और हम आश्रम में गए। मैं पहली बार, मतलब आप सोच सकते हो 9-10 महीने की बच्ची को छोड़ के कौन सी माँ जाते है जिसकी फीडिंग चालू हो, तो मैं पहली बार उसको छोड़ के जा रही थी और मम्मी पापा मदर इन लॉ फादर इन लॉ एवरीबडी यू से एवरीबडी वॉज अगेंस्ट कि तुमको जाना है जाओ बट बेटी को लेके जाओ। पर ऋषि जी ने कहा नहीं, बेटी को नहीं ले जा सकते वरना तो तुम वहां जाके कुछ कर नहीं पाओगे। और फिर माय सिस्टर सेजल दीदी, जिनको हम जानते हैं, इज माय यंगर सिस्टर, तो सेजल दीदी वाज विथ मी इन आवर कोर्स। शी सेड के तुम चिंता मत करो, मैं उसको संभालूंगी, तुम और मेहुल जी जाओ। और मैं पूरे ट्रेन में रोती थी, पूरे ट्रेन में मैं रोई, तो आजू बाजू वालों को लगता था इनका कोई गया है इसलिए रो रही है। मेहुल भी को भी लगता था, मैं अगर किसी को बोलूं कि ये क्यों रो रही है तो वो भी बोलेंगे ऐसे कोई ध्यान करने चला जाता है अपनी छोटी बेटी को छोड़ के। एंड जब हम आश्रम पहुंचे तो मुझे रास्ते में विश्वास भैया तो मिले थे, उसकी स्टोरी मैं साथ में सुनाती हूँ। तो जब हम आश्रम पहुंचे तो मैं भूल गई थी कि मैं मैरिड हूँ या मेरी एक बेटी है जिसको लेके मैं रो रही थी पूरे रास्ते। जैसे ही मैं आश्रम में एंटर हुई, आई वॉज इन कंप्लीटली डिफरेंट मूड, जो मैं ओरिजिनल थी, मतलब बबलिंग एंथुजियास्टिक पूरे टाइम हंसते रहना, वैसी मैं वापिस हो गई। एंड आई वॉज लाइक सेवा तो मैंने इतनी पागलों की तरह की, सिर्फ एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, वो था माउंट। यार मौन में कौन रहे जब मैं इतना मक 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 करती हूँ, अभी तो मैं मौन में नहीं रह सकती। एंड ऐसा हुआ कि पहली बार गुरु जी को जब मिलना हुआ तो ब्रिजित भैया थे तब हमारे साथ, वो भी बड़ौदा से ट्रेन में आए थे। तो एडवांस कोर्स का सेशन हमने छोड़ के गुरु जी को मिलने गए, तब 2 दिन बाद गुरु जी ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे, तो नहीं स्विट्जरलैंड से आ रहे थे, यूरोप टूर से आ रहे थे। तो हम कुटीर में जाके बैठे, तो सब बैठे थे, बहुत सारे लोग बैठे थे गुरु जी की कुटीर में, गुरु जी के। तो मैं शक्ति कुटीर, जिनको पता है सर्कल कुटीर है, तो गुरु जी यहाँ बैठे, मैं एकदम एच पे पीछे जाके ऐसे, वो बॉडी लैंग्वेज में कहते हैं ना कि क्रॉस योर हैंड्स मींस यू आर नॉट लिसनिंग, तो मैं एकदम ऐसे करके तन के बैठी थी। तो गुरुजी ने मेरी और कोई ध्यान नहीं दिया, वो सबसे बातें कर रहे थे, ऑल दिस थिंग वाज गोइंग ऑन। एंड मुझे नहीं पता कैसे, बट आंखों से आंसू आना शुरू हो गया, मैं उसको रोना नहीं बोलती, एंड मेरा माइंड बोल रहा है मैं क्यों रो रही हूँ, क्यों आंसू आ रहे हैं, बट समहाउ कॉन्स्टेंटली आंखों से आंसू बह रहे हैं, बह रहे बह रहे। एंड काफी देर बाद गुरुजी ने मेरी और देखा, आधा एक घंटा हो गया होगा, फिर उसको बोला अरे तू तो रो रही है। फिर वो उठ के अंदर गए, अंदर जाके एक इतना बड़ा क्यूट, लाइक इतना अच्छे से पैक किया हुआ एक गिफ्ट लेके आए और मुझे दिया कि ले ये चॉकलेट है, चॉकलेट के लिए रो रही थी ना। एंड मुझे लगा यार मैं जिंदगी में पहली बार ऐसे कुछ भाव से रो रही हूँ और ये बोल रहे चॉकलेट के लिए रो रही हूँ। सो ओके ठीक है, मैं चॉकलेट का जो भी, मुझे नहीं पता था क्या है, मैं वो डिब्बा लेके गई। शक्ति कुटीर से बाहर जाते हुए मैंने वो डिब्बा खोला तो एक फुटबॉल ग्राउंड था, इट वाज सो नाइस फुटबॉल ग्राउंड, छोटे छोटे इतने छोटे प्लेयर्स थे, इतना था। तो मुझे लगा गुरुजी ने तो बोला कि चॉकलेट से और ये तो कोई शो पीस लग रहा है, तो मैंने वो गिफ्ट बॉक्स ऐसे किया तो लिखा था इंग्रेडिएंट्स ब्ला 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 ब्ला, चॉकलेट्स मेड इन स्विट्जरलैंड। एंड तभी मेरे माइंड में आया कि जब हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो विश्वास भैया मुझे बोल रहे थे कि गुरुजी ना स्विट्जरलैंड से आते हैं तो स्वीस चॉकलेट लेके आते थे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर गुरुजी ना मुझे स्वीस चॉकलेट खिलाएंगे, बिकॉज आई लव चॉकलेट, मुझे चॉकलेट्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती है,
तब मेरे माइंड में फॉर अ सेकेंड ये थॉट आया था कि अगर गुरुजी मुझे चॉकलेट स्वीट चॉकलेट खिलाएंगे तो मैं उनको अपना गुरु मानूंगी. एंड देन आई सॉ चॉकलेट्स मेड इन स्विट्जरलैंड, देन आई रियलाइज ओ माय गॉड. और मैं वापस गई शक्ति कुटीर और मैंने डोर नॉक किया. सो नॉर्मली जितने लोग गुरु जी को जानते हैं, गुरु जी कभी डोर नहीं खोलते, बट उन्होंने दरवाजा खोला और ऐसे करके स्टाइल मार के खड़े रहे और फिर मेरे सामने ऐसे ऐसे किया. तो मैं कुछ बोल नहीं पाई. सो मैंने जस्ट प्रणाम किया उनको, पांव छी हुए उनके. और जैसे ही मैं खड़ी हुई, ही सेड अब मान गई गुरु. मैंने बोला जी गुरु जी अब मान गई गुरु. एंड दैट वॉज आई थिंक माई फर्स्ट एक्सपीरियंस विद गुरुदेव, के उन्होंने मुझे अपना प्यार दिया. और उसके बाद उसी दिन शाम को राजेश्वरी दीदी और फिलिप जी हमारे एडवांस कोर्स टीचर थे, तो वो हॉलो एंड एम्प्टी शू, और मुझे इतना पक रही थी मैं सही में, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल अ स्पिरिचुअल पर्सन, और उसमें हॉलो एंड एम्प्टी, उसमें साइलेंस रहना इम्पॉसिबल फॉर मी. तो मैं ऐसे ऐसे करके देखा, कोई देख नहीं रहा, ओल्ड मेडिटेशन हॉल से बाहर निकल गई क्योंकि मुझे नहीं बैठना था. सो बाहर तो निकल गई, अब करूँ क्या. सो मैंने सोचा चलो गुरु जी की कुटीर में चलती हूँ. तो कुटीर में गई तो नॉक किया, तो वहां पे जितने लोग बैठे थे मैं भी जाके बैठ गई. फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कोई सिक्योरिटी नहीं, 94 में कुछ नहीं. तो थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ कि सब चले गए और मैं और गुरुजी अकेले हो गए. तो शक्ति कुटीर में ना बीच में एक पोल है, तो गुरुजी वो पोल को पकड़ के गोल घूम रहे थे और मुझे पूछा तू क्या करती है. मैंने बोला मैं मौन है. बोले छू, और मेरे मन में क्या परसेप्शन था कि अभी गुरुजी बोलेंगे मौन रखना चाहिए ये वो. फिर छोड़ो मौन वौन, बोलो बोलो कोई बात नहीं. सो गुड, यस आई कैन स्पीक, मौन की जरूरत नहीं है. तो गुरुजी मेरे साथ बातें करने लगे, एकदम नॉर्मल बातें करने लगे कि तुम्हें क्या लगता है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, फिर तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है. एंड वो बात करते करते वो पोल पे ऐसे पकड़ के गोल घूम रहे थे. तो समहाउ सुबह मैं जब गई थी तब मुझे ये एक चीज का ख्याल आया था कि ऐसे गोल घूमने में मजा आता होगा. एंड गुरुजी एग्जैक्टली वही कर रहे थे. तो एकदम नॉर्मल मेरे से बात कही. तो मैंने बोला गुरुजी मैं फैशन डिजाइनर हूँ, मेरी फैक्ट्री है, मैं ऐसे ऐसे काम करती हूँ. तो नॉर्मली यू फील सो गुड के आप नॉर्मल कोई संत के साथ भी नॉर्मल बातें कर सकते हो. तो ही वॉज टॉकिंग वेरी कैजुअल, हॉबीज क्या है तुम्हारी. तो मैं अपनी हॉबीज बता रही थी कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे फिल्मी गाने अच्छे लगते हैं, ये सब. तो सत्संग, तो मैंने बोला सत्संग तो मैंने कभी किया नहीं है एंड आई डोंट नो मुझे सत्संग कैसा लगता है. ये एकदम जनरल बात है. फिर उन्होंने कहा चलो वॉक पे चलते हैं. और तब हम लोग वॉक पे गए तो हम सुमेरू पे, एंड कैन यू इमेजिन वो 40 मिनट्स गुरुजी वॉज जस्ट टॉकिंग टू मी और ऐसी सब बातें. सुमेरू के टॉप पे जाके उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे विशालाक्षी अभी जहाँ है वो दिखाया था तब. एंड ही सेड के पता है कुछ सालों बाद ना यहाँ पे बहुत लोग आएंगे, बहुत भीड़ होगी, हम यहाँ बहुत बड़ा हॉल बनाएंगे. एंड सच में बताओ मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था, इतना समझ में भी नहीं आता था. तो बट यस ही टोल्ड मी दैट कि, और फिर ही वॉज लाइक पता है तुम्हें ये सुमेरू किसने डिजाइन किया, कैसा है. आई सेड वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि आई एम अ डिजाइनर तो मुझे पता चलता है इट्स सो ब्यूटीफुली मेड. मुझे आज भी आई थिंक सुमेरू इज द बेस्ट आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट इन अवर आश्रम. ऑफकोर्स विशालाक्षी, बट सुमेरू कुछ समहाउ कुछ अलग है. सो ही सेड वो ऐसे ऐसे करके मुझे कहते ये मैंने डिजाइन किया. बोला अरे वाह आप भी डिजाइनर हो. एंड अब मुझे पता चलता है कि वाई ही टॉक टू मी लाइक दिस, बिकॉज अगर वो मेरे से ना स्पिरिचुअल बातें करते तो मैं कभी आउट ऑफ फिल्म में नहीं होती. मुझे गुरुदेव इज लाइक अ मिरर नो, बिकॉज यू आर लाइक फुल ऑन मस्ती, ही इज फुल ऑन मस्ती. एग्जैक्टली मुझे यहाँ तक लाने के लिए
वो अगर मैं यहाँ नहीं आ सकती तो वो पहले मेरे तक आए फिर मुझे उठा के ऊपर ले आए, वरना मैं कभी कभी नहीं आती फॉर श्योर. मैं अगर वो मेरे से ऐसे बात नहीं करते तो मैं नहीं आती. तो मुझे हमेशा लगता है कि गुरुजी मेरे लेवल तक आए एकदम नीचे फिर मुझे उठाया. सो दिस इज माय गुरु कि पहले हम तक. यू मस्ट बी लाइक 20, यू मस्ट बी लाइक 24 25 ईयर ओल्ड नो 25 25 25 ईयर्स.